नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने पसंदीदा चैनल प्रदीप लीगल हेल्प में। मैं आपका मित्र प्रदीप गोयल। दोस्तों, जैसा कि हमने अपने पिछले वीडियो में बताया था कि अच्छे वकील की पहचान कैसे करें, आज के इस वीडियो में उसी को कंटिन्यू करेंगे। जैसा कि हमने अपने पिछले वीडियो में बताया था कि अच्छे वकील की पहचान करने के लिए उसकी उम्र पर ना जाएं, बल्कि यह देखें कि वह अपना काम कितनी मेहनत, ईमानदारी और शिद्दत से कर रहा है। अच्छे वकील का चुनाव करने के लिए उसके ऑफिस या चैम्बर में मिलने के बजाय कोर्ट में मिलें, जहां पे वो प्रैक्टिस करते हों, वहां पे उनका स्टेटस देखें। वहां पर आप यह जान सकते हैं कि उनकी कैसी प्रैक्टिस है, वो अपना काम कितनी मेहनत और शिद्दत से करते हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे वकील हैं जो डेली प्रैक्टिशनर नहीं है, बल्कि साइड में बड़े बड़े बिजनेस कर रहे हैं, जिनके माध्यम से उनके पास अच्छी कार, ऑफिस, अच्छा चैम्बर तो हो सकता है, लेकिन उनकी अच्छी प्रैक्टिस नहीं होती है। लोग ऐसे लोगों के चक्कर में फंस जाते हैं, उसका खामियाजा उनको भुगतना पड़ता है और बदनाम सभी वकील होते हैं। इसलिए कभी भी एक अच्छे वकील का चुनाव करने के लिए उसके अच्छे चैम्बर या ऑफिस या लग्जरी कार देखकर न जाएं, बल्कि यह देखें कि वो अपना काम कितनी शिद्दत से, कितनी ईमानदारी से करता है, वह अपना काम कितने डेडिकेशन से करता है। दोस्तों, ऐसे वकीलों की संख्या बहुत ज्यादा है जो अपना काम स्वयं ना करकर किसी दूसरे वकील से करवाते हैं, जो कि डेली प्रैक्टिशनर होते हैं, बल्कि जो वकील दूसरे वकील से अपना काम करवाते हैं वो या तो नेता होते हैं या फिर बिजनेसमैन होते हैं, बल्कि अपनी शान और शौकत के लिए वकालत करते हैं, लेकिन उनके पास कानूनी अनुभव की कमी होती है, क्योंकि वो डेली प्रैक्टिशनर होते ही नहीं है। वो अपना काम उन लोगों से करवाते हैं जो डेली प्रैक्टिशनर होते हैं। इसीलिए जब भी एक अच्छे वकील का चुनाव करें तो उसके ऑफिस या चैम्बर में मिलने के बजाय उसको कोर्ट में मिले, जहां पर यह जान सकें कि उनकी प्रैक्टिस कैसी है, उनका स्टेटस कैसा है। दोस्तों, यदि आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। थैंक यू फ्रेंड।